गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3, जो कि हिस्ट्री बुक से लिया गया है, रूलिंग द कंट्रीसाइड, यानी कि देहाती क्षेत्र में, कंट्रीसाइड का मतलब क्या है, देहाती क्षेत्र में शासन। ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर, यानी कि मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान के रूप में वहां पे घोषित कर दिया। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, और जैसे कि दीवान होने के नाते कंपनी क्या बन गई, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई इस क्षेत्र का अंडर इट्स कंट्रोल, और जो कि उसके उसके कंट्रोल नियंत्रण में आ गया। द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। अब कंपनी क्या आ गई यहाँ पे, कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, देहाती इलाकों में उनको अपना उपनिवेश बनाने आई। ऑर्गेनाइज रिवेन्यू रिसोर्सेज, तो वहाँ पे उन्होंने रिवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। रीडिफाइन द राइट ऑफ पीपल, और लोगों के अधिकारों को उन्होंने दोबारा से डिफाइन किया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जो उनकी ज़रूरत थी, यानी कि लोगों से वही फसलें उगवाई जो उनको चाहिए होती थी। जैसे रिवेन्यू फॉर द कंपनी, रिवेन्यू मीन्स क्या होता है, राजस्व यानी कि कमाई। अब कंपनी का रिवेन्यू कैसे होता था यहाँ पे, द कंपनी गैड बिकम द दीवान बट स्टिल सा इट्सेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर। हालांकि जो कंपनी थी वो दीवान बनने के बाद, दीवान तो बन गई का, लेकिन अभी भी उनके वो मुख्य तौर पे क्या थी वहाँ पे, एज ए ट्रेडर यानी कि व्यापारी ही थी। बिफोर 1865 1865 से पहले द कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया, तो कंपनी क्या करती थी, इंडिया में वस्तुएं खरीदती थी बाय इंपोर्टिंग गोल्ड, वहाँ पे गोल्ड लाती थी इंडिया में और गोल्ड के बदले में यहाँ से वस्तुएं खरीदती थी। एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने चांदी लेके आती थी ब्रिटेन से, और उसके बदले में वो यहाँ से वस्तुएं खरीदती थी। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंशियली द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, तो अब वहाँ बंगाल का जो रिवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया, यानी कि यहाँ बंगाल से है वो पैसा इकट्ठा करने लगी, तो इससे वो फाइनेंशियली क्या करने लगे, परचेज करने लगे इन वस्तुओं को, बजाय अपने कंट्री से इंपोर्ट कराने के। बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, जिसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा संकट आ गया। इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770 में एक बहुत ही भयानक फेमाइन यानी कि अकाल आया, जिसने 10 मिलियन लोगों को, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों को बंगाल में, जिसके कारण मृत्यु हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, तो अब कंपनी के पास मौका मिल गया कि एग्रीकल्चर को कैसे सुधारा जाए। द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, तो उन्होंने एक कानून बनाया परमानेंट सेटलमेंट के नाम से 1793 में। द राजास एंड तालुकदार वर रिकग्नाइज एज जमींदार, तो यहाँ पे जो राजा थे और तालुकदार थे अब उनको जमींदार के तौर पे रिकग्नाइज किया गया। द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, न्यूमेरस जमींदारी वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन, बहुत सारी जो जमींदारी थी उनको बेच दिया गया कि इसमें ऑक्शंस पे, यानी कि बोली लगा के ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, और जिसकी बोली कौन लगा रही थी, कंपनी। एज एनीवन हु फेल्ड टू पे, यदि कोई भी जो अपना रिवेन्यू यानी कि टैक्स देने से फेल हो जाता तो वो अपनी जमींदारी खो बैठता था वहाँ से, ठीक है। द जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्पोर्टेंट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो इसलिए जो ये जमींदार थे वो इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कराने के लिए जमींदार सिस्टम में। द न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, अब नया सिस्टम वहाँ पे लागू कर दिया गया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी
19th सेंचुरी की शुरुआत में मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। तो बहुत सारों को यह शुरुआत में कंपनी के अधिकारी ने बोला कि भाई यह है ना, जल्द ही इसको हम दोबारा से चेंज करेंगे, इस सिस्टम को जो रिवेन्यू सिस्टम हमने लागू किया गया ना। एन इंग्लिश मैन होल्ट मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज था, डिवाइस द न्यू सिस्टम, उसने नया सिस्टम लागू किया विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822, जो कि 1822 में प्रभाव में आया। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड महलवारी सिस्टम, और इस सिस्टम को बोला जाता है महलवारी सिस्टम। होल्ट मैकेंजी नाम का ये शासक था। मुंद्रो सिस्टम, फिर उसके बाद आया मुंद्रो सिस्टम इन द ब्रिटेन टेरिटरी इन द साउथ, द ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइस, तो एक नया सिस्टम वहाँ पे लागू किया गया विच वाज नोन एज रेतवार और रेतवारी, जिसे बोला जाता है रेतवार और रेतवारी, ठीक है। होल्ट मैकेंजी ने तो महलवारी, और यहाँ पे मुंद्रो सिस्टम में क्या हुआ, रेतवारी। रेतवारी वाज इनिशिएटेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर, और इसको शुरू किया गया कैप्टन अलेक्जेंडर के, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, एंड वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुंद्रो, और उसको डेवलप किसने किया, थॉमस मुंद्रो ने, तो इसलिए इसको मुंद्रो सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम वाज एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, इसको पूरे साउथ इंडिया में बढ़ाया गया। All was not well, लेकिन सब कुछ सही नहीं हो रहा था। As they desired to increase the income from land, जैसा कि वो, उनकी इच्छा थी कि वो भूमि से क्या करे, अपनी इनकम बढ़ाए, रिवेन्यू बढ़ाए। रिवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई, क्योंकि जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उनको काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू की डिमांड थी। एज पीजेंट्स वर अनेबल टू वे, जैसा कि किसान थे वो इसको पे करने के लिए अनेबल थे, यानी कि उनसे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस रिवेन्यू को पे कर दें। रेत फील्ड द कंट्री साइड, रेत फाइल किए गए वहाँ पे कंट्री साइड में, एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और बहुत सारे गाँव तो क्या हो गए, डिजर्टेड हो गए, यानी कि वीरान पड़ गए बहुत सारे क्षेत्रों में। क्रॉप्स फॉर यूरोप, तो अब वो क्या करने लगे, यूरोप के लिए फसलें उगवाने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय द लेट 18th सेंचुरी के अंत में कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टीवेशंस ओपियम एंड इंडिगो, तो कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पे अपना कल्टीवेशन यानी कि कृषि बढ़ाने लगी, किस चीज़ की, ओफियम की और इंडिगो की, यानी कि अफीम की और नील की खेती वो कराने लगे यहाँ पे। द ब्रिटिशर्स फोर्स कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस जूट, और यहाँ ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे किसानों के साथ कि वो प्रोड्यूस करे जूट को, टी को, शुगर केन को, वीट, कॉटन एंड राइस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इनकी खेती करे बहुत सारे इंडिया के क्षेत्रों में। डज कलर हैव ए हिस्ट्री, क्या इस कलर की भी कोई हिस्ट्री है, जिसे नील बोलते हैं। द रिच ब्लू कलर वाज कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो, जो बहुत ही गहरा नीला कलर होता है उसे ही हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। द ब्लू डाई यूज इन मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी, जो ब्लू डाई है वो यूज की जाती थी मॉरिस प्रिंट में इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन में, वाज ए मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, और जो कि मैन्युफैक्चर की जाती थी प्लांट से, इंडिगो प्लांट से, जो कि इंडिया में कल्टिवेट की जाती थी, ठीक है। तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ब्लू कलर है, इंडिगो है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी ब्रिटेन में। इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड, और इंडिया इंडिगो की सबसे बड़ी सप्लायर थी वर्ल्ड में इन द 19th सेंचुरी में, ठीक है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, अब क्वेश्चन यही आता है कि भारतीय नील की ही डिमांड क्यों थी इतनी ज़्यादा। बाई द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ।
थर्टीन सेंचुरी तक यानी कि 13वीं सदी तक जो भारतीय इंडिगो यानी कि इंडियन नील था उसकी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, किस चीज़ के लिए? कपड़ों को डाई यानी कि कलर देने के लिए। इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, क्योंकि इंडिगो एक बहुत ही गहरा नीला कलर प्रोड्यूस करता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम द वॉड अनदर प्लांट वाज पेल एंड डल, वहीं दूसरे जो डाई होती थी इंडिगो के अलावा वो कैसी होती थी? पेल होती थी, डल होती थी, वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और इंडिगो प्लांटेशन तो है ना कई सारे नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में भी किया जाने लगा। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अब ब्रिटेन क्या हो गया? इंडिया की तरफ टर्न हो गया। कैसे? द कंपनी इन इंडिया एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टिवेशन टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, क्योंकि देखो यूरोप में इंडिगो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए कंपनी ने अपने एरिया को एक्सपेंड कर लिया। इंडिया में इंडिगो का कल्टिवेशन उन्होंने बढ़ा लिया, ठीक है। द इंडिगो ट्रेड, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कमर्शियली एजेंट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन, जिससे कि क्या हुआ, जो कंपनी थी वो इन्वेस्ट करने लगी किस चीज़ में? इंडिगो प्रोडक्शन में, तो किसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब क्वेश्चन अपने सामने यही था कि इस इंडिगो को कल्टिवेट कैसे किया जाए, यानी कि इसको उगाया कैसे जाए किसानों से। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो को उगाने के लिए दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, एक था निज एंड एक रयाती। द निज सिस्टम, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। निज सिस्टम में तो क्या होता था, प्लांटर क्या करता था, इंडिगो को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी निज कल्टिवेशन में? द प्लांटर्स फाउंड डिफ़िकल्टी टू एक्सपेंड द एरिया, प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निज कल्टिवेशन में। निज कल्टिवेशन उन्हें लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लो, क्योंकि निज कल्टिवेशन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्लो यानी कि हलों की और ब्लॉक की ज़रूरत होती थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वाज ए बिग प्रॉब्लम, तो इस प्रकार हल को खरीदना और उनकी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। द प्लांटर वर रिलक्टेंट, और यहाँ पे जो प्लांटर थे वो रिलक्टेंट थे यानी कि वो इच्छुक नहीं थे टू एक्सपेंड एरिया अंडर निज कल्टिवेशन, जिससे कि वो निज कल्टिवेशन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, वो भी अनिच्छुक थे। इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रेयत, और दूसरा जो तरीका था, सिस्टम था इंडिगो का, वो था रेयत का, रेयती सिस्टम। द प्लांटर्स फोर्स द रेयत्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता था, प्लांटर को ज़बरदस्ती एक रेयत पे साइन करना होता था, जो कि एक क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट और एक साइन होता था, जिसे सट्टा भी कहते हैं। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी किसान उसके ऊपर साइन कर देता था, गोट कैश एडवांसेस, उसको एडवांस में कैश मिलता था फ्रॉम द प्लांटर्स, प्लांटर से एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्लो प्रोड्यूस इंडिगो, यानी कि कम दर पर उनको क्या कैश मिलता है, जिससे कि वो इंडिगो को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। द फिजियंस गोट वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो, वही फिजियंस को इंडिगो के लिए ना बहुत ही कम प्राइस मिलता था जो वो प्रोड्यूस करते थे। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, और इस प्रकार जो लोन का जो साइकिल था वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता था, यानी कि उन्होंने पहले एडवांस से पैसे ले लिए, इंटरेस्ट तो उसका भी देना था, और फिर जो उनका प्रोडक्शन आता था यानी कि जो उनकी फसल होती थी उस पर भी प्राइस बहुत कम मिलता था, इससे कि वो लोन वाले चक्कर में फंस जाते थे। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन, यानी कि देखो इंडिगो को काटने के बाद यानी कि उसको उठाने के बाद खेत से, तो वहाँ पे कुछ बोया नहीं जा सकता था विद द राइस
विच द पीजेंट्स प्रेफर्ड, जो स्पेशली राइस की खेती को तो वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता था, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे पीजेंट्स, क्योंकि वो स्टेबल फूड क्रॉप थी। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, फिर उसके बाद नीली क्रांति आई और उसके बाद क्या हुआ। इन मार्च 1859, फिर 1879 को, सॉरी 1859 को इन मार्च में थाउजेंड्स ऑफ रेयत इन बंगाल, बंगाल में हजारों रेयत थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिगो को ग्रो करने के लिए, यानी कि वो नील की खेती को करने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसा कि ये है विद्रोह फैला, रेयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर, तो रेयत ने अपना रिफ्यूज कर दिया लगान देने के लिए प्लांटर्स को। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो की फैक्ट्रियों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। रेयत स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो, और रेयतों ने बोल दिया कि हम अब कोई भी एडवांस में पैसे नहीं लेंगे इंडिगो को सो यानी कि बोने के लिए, नोर बी बुलेड बाय प्लांटर्स लठियाल्स, और न ही वो प्लांटर से बुली होंगे। द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू दिस सिस्टम, और सरकार ने फिर एक कमीशन बनाया इंडिगो कमीशन, जो कि यह इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। फिर क्या हुआ, इट डिक्लेयर द इंडिगो कल्टीवेशन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, और इसने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिगो का कल्टीवेशन है वो इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है फॉर द रेयत, हेंस दे कुड नॉट, दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, तो इसलिए वो फ्यूचर में भविष्य में इंडिगो को प्रोड्यूस करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, और इस विद्रोह के बाद बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन होना कम हो गया। एंड द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, तो इस प्रकार अब बंगाल के बाद प्लांटर्स ने यानी कि अंग्रेजों ने अपने ये इंडिगो की खेती कराने के लिए वो शिफ्ट हो गए कहाँ पे, बिहार में। बिहार में उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, या आप नेक्स्ट हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपको बिहार में मिलेगा इंडिगो प्रोडक्शन पे क्या प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे गांधी जी ने किया था इसका विद्रोह, जैसे यहाँ पे बंगाल में किया था ना, वहाँ पे गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन हो गया है, बाकी डिटेल में हम फिर करेंगे, अभी तो पहले आपको ये क्वेश्चंस कराने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स।